हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग फिट होंगे, फाइन होंगे। आज हम आकर एकदम नया फ़ोन लेकर आए हैं, iPhone 15। तो आइए इनके स्पेसिफिकेशन जानते हैं कि स्पेसिफिकेशन में रैम 8 GB है, प्रोसेसर इसका एप्पल A14 बायोनिक है, रियर कैमरा 12 MP प्लस 12 MP है, फ्रंट कैमरा 12 MP है, बैटरी इसकी 12 MP वो सॉरी 4200 mAh है, डिस्प्ले इसका 6.1 इंच यानी 15.49 सेंटीमीटर है। लॉन्च डेट इसकी इंडिया में अगस्त 2023 में 23 तारीख को रखी गई है, यानी 23 अगस्त 2023 को इंडिया में लॉन्च होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम iOS v15 है। परफॉर्मेंस में चिपसेट एप्पल A14 बायोनिक, CPU हेक्साकोर 3.1 GHz डुअल कोर फायर स्टॉर्म प्लस 1.8 GHz क्वाड कोर आइस्टॉर्म, और को प्रोसेसर एप्पल M14 मोशन आर्किटेक्चर 64 बाइट, फैब्रिकेशन 5 nm। ग्राफिक्स इसकी एप्पल GPU 4 कोर ग्राफिक्स, रैम 8 GB है। डिस्प्ले में डिस्प्ले टाइप OLED है। स्क्रीन साइज 6.1 इंचेस है, 15.49 सेंटीमीटर है। रेजोल्यूशन 1170x2532 pixels। पिक्सल डेंसिटी इसकी 457 PPI। बेजल डिस्प्ले अवेलेबल है विद नॉच, टच स्क्रीन अवेलेबल है, कैपेसिटी टच स्क्रीन, मल्टी टच भी अवेलेबल है। कैमरा में मेन कैमरा में कैमरा सेटअप इसका है आपका डुअल, रेजोल्यूशन है 12 MP, 1 MP और 12 MP के दो कैमरा है। ऑटो फोकस और iOS अवेलेबल है, OIS फ्लैश अवेलेबल है विद LED फ्लैश। इमेज रेजोल्यूशन 4000x3000 pixels है। सेटिंग्स में एक्सपोजर कंपनसेशन ISO कंट्रोल है। शूटिंग मोड्स में कंटिन्यूस शूटिंग, हाई डायनेमिक रेंज मोड HDR है। कैमरा फीचर्स में ऑटो फ्लैश, फेड डिटेक्शन, टच टू फोकस है। वीडियो रिकॉर्डिंग 1920x1080 30 FPS है। फ्रंट कैमरा में कैमरा सेटअप सिंगल है, रेजोल्यूशन 12 MP है, वीडियो रिकॉर्डिंग है 1920x1080 30 FPS। बैटरी में कैपेसिटी 4200 mAh है। टाइप है लिथियम आयन, रिमूवेबल नहीं है। कुछ चार्जिंग अवेलेबल है, फास्ट चार्जिंग है। USB टाइप सी अवेलेबल नहीं है। स्टोरेज में इंटरनल मेमोरी 256 GB है, एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है। नेटवर्क कनेक्टिविटी में सिम स्लॉट डुअल सिम GSM प्लस GSM, सिम साइज में सिम 1 नैनो सिम 2। EC में नेटवर्क सपोर्ट में इंडिया में 5G सपोर्ट नहीं करेगा जब तक लॉन्च नहीं होगा। लॉन्च होने के बाद इंडिया में 5G सपोर्ट करेगा, 4G 3G सपोर्ट करेगा भी। वोट भी अवेलेबल है, सिम 1 सिम 2 दोनों में 4G 3G के बैंड्स और GPRS अवेलेबल है। लॉन्च होने के बाद सिम 1 सिम 2 दोनों में 5G के बैंड भी उपलब्ध कराए जाएंगे। वाईफाई अवेलेबल है विद Wi-Fi 4 802.11bgn में। वाईफाई फीचर्स में मोबाइल हॉटस्पॉट है, ब्लूटूथ में अवेलेबल है विद V5.2 वर्जन में, GPS अवेलेबल है विद GPS ग्लोनास, USB कनेक्टिविटी में मास स्टोरेज डिवाइस USB चार्जिंग मिल जाएगी आपको। मल्टीमीडिया में लाउड स्पीकर अवेलेबल है, ऑडियो जैक में लाइटनिंग मिल जाएगी आपको। सेंसर्स में फिंगरप्रिंट सेंसर अवेलेबल नहीं है, अदर सेंसर्स में फ्लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, गायरोस्कोप आपको मिल जाएगा। अब बात करें दोस्तों इसकी वो प्राइस की, तो ये और आईफोन मुकाबले सस्ता है, जो कि है 77,990 रुपीज़ का, और ये इंडिया में अगस्त 2023 में 23 तारीख को लॉन्च होगा। ये ब्लैक, ग्रे, ब्लू और आपको ग्रीन कलर में और गोल्ड कलर में मिल जाएगा। और अब इसको हमने आपके सारे स्पेसिफिकेशन बता दी हैं। ये इसके जो कैमरे हैं दोस्तों, वो रियर कैमरे 2 हैं, फ्रंट कैमरा 1 है। इसमें बैटरी जो है वो 256 GB है, हैंगिंग की प्रॉब्लम से बिल्कुल नहीं होती है, इसमें हैंगिंग काफ़ी सुधारा गया है। और एप्पल ने दोस्तों अपना नया स्टोर भी लॉन्च कर दिया इंडिया में। टिम कुक एप्पल के जो CEO है, उन्होंने न्यू दिल्ली में इंडिया का सेकंड एप्पल स्टोर लॉन्च किया है। तो आप दिल्ली में जाएं, उस स्टोर को विजिट करें और वहां पे एप्पल के हर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स जो वर्ल्ड में लॉन्च होंगे वो तुरंत उस स्टोर में भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो आप उनको जाकर देखें, उनको देखें कैसे वो हैं, फिर आपका जब मन करे तो उनको खरीदें, क्योंकि उससे फ़ायदा होगा। चाहे मुंबई जाए या दिल्ली जाए, दोनों जगह आपको एप्पल के लेटेस्ट अपकमिंग सारे गैजेट मिल जाएंगे, चाहे वॉच हो, एयरपॉड्स, मैकबुक, मोबाइल, टैबलेट, सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों तक, और कमेंट बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।